भीम, मैं हनुमंत अरसंगी, स्टेट प्रेसिडेंट दलित सेना। आज 66th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, जो बोधिसत्व है, भारत रत्न है, उसका महापरिनिर्वाण दिन आज ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ बोधिसत्व की महापरिनिर्वाण दिन जो सेलिब्रेट कर रहे थे। आज के दिन जो दलित वर्ग के जो भी शोषित कम्युनिटी के लीडर्स हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और बहुत सारे जो इस देश के सिटीजन्स हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्श तत्वों के बारे में चिंतन मंथन जो करने का टाइम और करने का कोशिश अब हो रहे हैं। अब कर्नाटक में हमारे स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक बसवराज बोम्मई साहब एंड का एंटायर मिनिस्ट्रीज बाबा साहेब अम्बेडकर को गार्लैंड करके श्रद्धांजलि अर्पित किया है। गुलबर्गा में जो हर तालुका की लोग यहाँ जो यहाँ की जो चैत्य भूमि हम मानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जगत सर्कल जो स्टैचू है, वहाँ आके बाबा साहेब अम्बेडकर को गार्लैंड करवा के और उनको नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो सिलसिला बहुत दिनों से बहुत सालों से चल रहा है, वो इस मौके पर हमने जो दलित सेना की पूरा टीम यहाँ गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट हो या कर्नाटक स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में जो दलित सेना की तरफ से हमने बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित किए और ब्लड डोनेशन कैंप या आज हमारे गुलबर्ग सेंट्रल बस स्टैंड में SC ST एम्प्लॉयज ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया है वहाँ, और जो गुलबर्ग सेंट्रल बस स्टैंड के अपोजिट जो बाहर से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, हज़ारों लोगों के लिए हमने अन्न संतर्पण प्रोग्राम कार्यक्रम भी यहाँ किया है और हर तालुका गुलबर्ग के हर तालुका में जो हॉस्पिटल्स हो, वृद्धाश्रम हो और ऑर्फन सेंटर जो भी है वहाँ बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था और फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था दलित सेना की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूट करके बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करने की कोशिश हमने किया है। और बहुत सारे लोग भी मैं अब इस टाइम मैंने अपील करता हूँ सब लोगों को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो इस देश को एंड इस वर्ल्ड को जो मैसेज दिया वो मैसेज हमने प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर रहे, मैं मैसेज फॉलोअप करने का जो कोशिश कर रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 22 जो शपथ दिए थे, हमने प्रतिज्ञा दिए थे हमें, वो प्रतिज्ञा फॉलोअप करने के लिए कोशिश कर रहे तब हम कुछ कर सकते इस देश में, नहीं तो अब जो पोजिशन है इस देश के मनुवादी लोग हैं, जो संविधान के खिलाफ के लोग हैं, संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को जो आस्पद देने जैसा होता, हम सब एक होना, दलित एंड मुस्लिम एंड ओबीसी के लोग भाईचारे से हम जीना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के तत्व के हिसाब से हमको रहना है, इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो इस यही विषय पर हमें चर्चा भी होना है बोल के मैं अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत।